हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ईएमआई और ईएमडब्ल्यू और एसी में हम लोग कर रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ईएमआई से है। तो ईएमआई जो है बेसिकली एक कंडक्टिंग लूप है। चलो मान लेते हैं ये कंडक्टिंग लूप है और ये सर्कुलर लूप है। और इस लूप की जो रेडियस है वो दी हुई है। रेडियस कितना है? 10/√π इतना सेंटीमीटर है भाई, मतलब 0.1√π इतना मीटर है। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टिंग लूप, वायर का लूप है ना। इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लूप के एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0.5 टेस्ला यहाँ पे दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता है 0 to 0.5 सेकेंड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले इनिशियली टाइम टी इज इक्वल टू पे इतना था, फिर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है और टाइम बीत जाता है, 0.5 सेकेंड लग जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉयल विल डिक्रीज, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है φ = BA cos θ। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है फैराडे सेकेंड लॉ से इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप का क्या फार्मूला है? इंड्यूस ईएम इज इक्वल टू -dφ/dt। ठीक है, डिफरेंशियल, तो यहाँ पर δφ/δt। ठीक है, δφ मतलब यह आ जाएगा φ2 - φ1 और यह आ जाएगा t2 - t1। तो पहले पहले जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस साइन मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो ये फ्लक्स, ये जीरो और ये माइनस, मतलब कुल मिला के φ1 - φ1/(t1) इनिशियली, यहाँ से (t2) लेट अस नेगलेक्ट द निगेटिव साइन। यहाँ पर एक काम करो, निगेटिव साइन को इग्नोर कर दो। तो निगेटिव साइन को इग्नोर कर दोगे तो यहाँ से चेंज इन फ्लक्स जो आ जाएगा वो, इसका हमें मैग्नीट्यूड ले लो, मॉड ले लो। तो अगर यहाँ पर मैं इसका मॉड ले लूँगा तो बेसिकली क्या आएगा भाई, वैल्यू रख दो φ2 की, यहाँ से वैल्यू रख दोगे तो जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लो, वही उसका सोलूशन होगा। तो φ2 बाद में जो फ्लक्स हुआ वो ज़ीरो हुआ, माइनस इनिशियल फ्लक्स φ1 डिवाइडेड बाई पहले टाइम t2 हुआ, बाद में माइनस टाइम जीरो हुआ, और निगेटिव साइन यहाँ जो निगेटिव था इसको प्लस कर देगा। तो ये φ = BA/(t2)। तो φ = BA कितना भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली कितनी थी? 0.5 टेस्ला। और एरिया यहाँ से टाइम कितना लग गया? 0.5। एरिया πr का स्क्वायर, तो जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा πr² के इंट्रोड्यूस ईएमएफ, तो 0.5 0.5 गया, और यहाँ से पाई और आर का स्क्वायर, मतलब 0.1/√π का स्क्वायर। तो √π का स्क्वायर मतलब मैं करूँगा तो ये पाई कट जाएगा और ये जाएगा 0.01 वोल्ट। ठीक है ना, अब इसको मिली वोल्ट में लिखना है, तो 0.01 वोल्ट को 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिली हो जाएगा, और यहाँ नीचे 10^-3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब वो ये आ जाएगा 10 मिली वोल्ट। तो 10 मिली वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से।